अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के इस सेशन में ऐसी चीज़ की हम बात करेंगे जो आपने बहुत दफ़ा देखी होगी पहचानी भी होगी जब आपने पढ़ी होगी कोई चीज़ या सुनी होगी इवन गानों के लिरिक्स में आपने महसूस किया होगा लेकिन हो सकता है इस नाम से आप उसको ना जानते हो तो इसका नाम पैरल स्ट्रक्चर है इट्स नॉट सच अ बिग थिंग इसकी मिसालें हम देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत फमिलियर और मानूस चीज़ है आपके लिए कुछ मिसालें हैं जैसे कि पैरल स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि एक जुमला जिसके के जिसमें एक ही ग्रामेटिकल पैटर्न फॉलो हो रहा जैसे कि ईजी कम ईजी गो जो चीज आसानी से आती है उसकी बेखदरी होती है और वो जल्दी चली भी जाती है आमतौर पे वेल्थ uh, के लिए uh, इस्तेमाल होता है ईजी कम ईजी गो लाइक फादर लाइक सन जैसा बेटा जै, वैसा बाप ही केम ही सॉ ही कॉन्क्रीट इनमें सब में एक नाउन है साथ में एक वर्ब पास्ट टेंस में चल रहा है सेम टेंस में तो इससे एक तरह का पैरल बनता है और एक इंटरेस्टिंग और लुत्फ उसमें पढ़ने में आता है तो अच्छा अगर आप ये कहेंगे ये भी देख लें कि दिस इज़ नॉट अ पैरल सेंटेंस अगर आप कहें उजमा लाइक्स हाइकिंग जॉगिंग एंड टू राइड अ बाइसिकल टू राइड अ बाइक इज़ अ डिफरेंट वर्ब फॉर्म वर्ब फॉर्म सिमिलर नहीं है डिफरेंट है तो उससे उसका आप देखें तसलसल और उसकी ब्यूटी टूट जाती है तो दिस इज़ नॉट अ पैरल स्ट्रक्चर अगर आप वो बनाना चाह रहे हैं उसको इस तरह से अगर हम लिखें तो वो पैरल स्ट्रक्चर होगा उजमा लाइक्स हाइकिंग जॉगिंग एंड राइडिंग अ बाइसिकल तो ये है इसका फ़ायदा क्या है इसकी ज़रूरत क्या है ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो राइटर्स यूज़ करके अपनी राइटिंग में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं बाकी लोगों से उसको डिफरेंट कर सकते हैं इसमें एक फ्लो है आसानी से ये पढ़ी जाती है चीज़ क्योंकि वो आ, रिपीट हो रही है जो उसका ग्रामेटिकल पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है तो ये एक फ़्लो में पड़ी जाती है चीज़ इसके अलावा बात क्लियर भी होती है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती अगर आप उसके जो है उसका वज़न बार बार चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इसमें एक अपनी तरह की क्लैरिटी है तो कभी कभी ये पैरल स्ट्रक्चर्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं कहने का ये हर किस मकसद नहीं है कि पूरी राइटिंग आपकी पैरालल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड हो क्योंकि वो यकसानियत का शिकार हो जाएगी इन चीज़ों को आप ऐसे समझें जैसे कि कोई मसाला है जो आपने खाने में थोड़ा सा ऐड करना है टू एड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेस्ट उसके अलावा इसका एक जैसे पोइट्री का एक रिदम सा होता है और एक उसका बहाव होता है और उतार चढ़ाव होता है वो इसमें क्रिएट होता है पैरल स्ट्रक्चर की मदद से सो दैट्स वाइ इट्स अ गुड डिवाइस टू यूज़ और ये इसको याद रखना भी आसान होता है ये कैच uh, ही होती है मेमोरेबल होती है जैसे कि मुहावरों की तरह ये एक पैरल स्ट्रक्चर की मिसाल है आपने सुनी भी हुई होगी पहले चार्ल्स टिकिन्स की अ टेल ऑफ़ टू सिटीज इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस एंड ओपनिंग सेंटेंस Of his novel. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Lots of opposites, but in parallel structures, may have been consistent. This is what Charles Dickens What you आपके लिए असाइनमेंट है आपने आ, करना ये है कि आपने कोई दो बहन भाई आपने कैरेक्टर्स ले लेने हो सकता है आपकी ज़िंदगी में असल में कोई आपके इर्द गिर्दों या कोई आप ख़ुद अपनी सोच से अपने तखयल से कोई क्रिएट करें दो कैरेक्टर्स बहन भाई हैं या दो भाई हैं या दो बहने हैं कोई भी तो उनको ले लेना है और आपने पैरल स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए आपने उनकी हैबिट्स टैंपरामेंट रिलेशनशिप्स एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर्स उनकी पसंद नापसंद इन सारी चीज़ों के बारे में पांच से सात जुमले लिखने और आपको कुछ हमने मिसालें पैरल स्ट्रक्चर्स की दी हैं कुछ मिसालें ये आपको लिंक दिया है इसके ऊपर है और आप खुद से भी इंटरनेट एक्सप्लोर करके और मिसालें देख के उसको रिसर्च कर सकते हैं और हो सकता है उससे आपको कोई ख़्याल आ जाए कि मैं इस तरह से अपना जो असाइनमेंट है वो तैयार करूँगा या तैयार करूँ दो बहन भाइयों के बारे में